हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे खनिजों के भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मिनरल्स। ठीक, तो ये कोई भी जो हमारा जो खनिज होता है तो उसको हम लोग कैसे उसका भौतिक गुण पहचानते हैं, या तो फिर जब हम लोग लैब में इसका किसी भी खनिज का अध्ययन करते हैं तो किन बिंदुओं के आधार पर करते हैं। तो इसके जो जितने गुण होते हैं किसी भी खनिज के भौतिक गुण, तो उनका अध्ययन करेंगे। तो ये हो गया आप लोग का क्या, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मिनरल्स। ठीक, ये स्टार्ट करना है। ठीक है, तो आज हम लोग शुरू करेंगे क्या, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मिनरल। इसी को हिंदी में क्या कहा जाता है, खनिजों के भौतिक गुण। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आपको हर जगह काम आएगा, खनिजों के भौतिक गुण। तो किसी भी खनिज का जब भौतिक गुण का अध्ययन करते हैं, भौतिक मतलब क्या हो रहा है कि खनिजों के ऐसे गुण जिनको कि हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं, देख करके, छू करके, महसूस करके, ये सब करके, तब उसी को क्या कहते हैं हम लोग, खनिजों के भौतिक गुण। भौतिक गुण मतलब कि फिजिकल प्रॉपर्टीज, मतलब उसको कि हम लोग क्या भौतिक रूप से क्या कर सकते हैं, टच करके उसके गुणों का अध्ययन कर सकते हैं। तो जो भी खनिज हैं तो उनके जो भौतिक गुणों का अध्ययन किया जाता है, तो उसके लिए कुछ कुछ बिंदु निर्धारित किए गए हैं, या तो कुछ कुछ बिंदु हैं, तो उन्हीं के आधार पर हम लोग क्या करते हैं, खनिजों के भौतिक गुणों का अध्ययन करते हैं। तो ये बिंदु कौन कौन से हैं, तो जब हम किसी भी खनिज का भौतिक गुण का अध्ययन करते हैं तो सबसे पहले देखते हैं उसका रंग। ठीक, उसके बाद देखते हैं क्या सेकंड प्रॉपर्टी में, कि वो किस आकृति का है, फॉर्म। और उसके बाद नेक्स्ट क्या देखते हैं, उसका क्लीवेज, से वो क्या कहा जाता है, विदलन। उसके बाद नेक्स्ट क्रम में क्या अध्ययन किया जाता है, उसके फ्रैक्चर के बारे में। फ्रैक्चर को हिंदी में बोलते हैं विभंग। उसके बाद अध्ययन किया जाता है क्या, उसका चमक या लक्षर। उसके बाद अध्ययन किया जाता है उसका क्या, वर्ण रेखा का, या इसी को कहा जाता है स्ट्रिक कलर। उसके बाद नेक्स्ट क्रम में इसका अध्ययन किया जाता है उसके हार्डनेस का या कठोरता का। हार्डनेस या कठोरता का नेक्स्ट क्रम में इसके अध्ययन किया जाता है दृढ़ता या टेंसिटी के बारे में। के बाद नेक्स्ट क्रम में अध्ययन किया जाता है उसका क्या, स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में। या आपेक्षिक घनत्व। उसके बाद नेक्स्ट क्रम में अध्ययन किया जाता है, अगर उनके अलावा, इनके अलावा भी अगर उसमें कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी दिख रहा है तब, तो इसको कहा जाता है अदर कैरेक्टर्स या अदर प्रॉपर्टीज। टीस या तो फिर बोल सकते हैं इसका अदर कैरेक्टर। को कहा जाता है हिंदी में अन्य गुण। तो हम लैब में या तो कहीं पर भी, जब हम किसी क्रिस्टल का, सॉरी, जब हम किसी मिनरल का, किसी खनिज का भौतिक गुण का अध्ययन करते हैं, तब भौतिक गुणों का अध्ययन कुछ कुछ बिंदुओं के आधार पर किया जाता है। तो वही जो बिंदु हैं वही ये हैं। ठीक, सबसे पहले देखा जाता है उस खनिज का कलर को, उसके बाद में देखा जाता है उसकी आकृति को, फॉर्म को, उसके बाद देखा जाता है उसके क्लीवेज को, विदलन को, उसके बाद देखा जाता है उसके क्या, फ्रैक्चर या विभंग को, उसके बाद देखा जाता है उसके लक्षर या चमक को, उसके बाद देखा जाता है स्ट्रिक या तो फिर इसी को बोलते हैं वर्ण रेखा को, उसके बाद देखा जाता है उसकी कठोरता को,
उसके बाद देखा जाता है उसकी टेनिसिटी को, उसके बाद देखा जाता है उसके स्पेसिफिक ग्रेविटी अपेक्षित घनत्व को। तो इनके अलावा भी अगर उसमें कुछ गुण उपस्थित रहते हैं तब उसको लास्ट में अध्ययन किया जाता है। तो किसी भी खनिज का भौतिक गुणों का अध्ययन इन बिंदुओं के आधार पर किया जाता है। ठीक, तो अब हम लोग देखेंगे डिटेल में कि किसी भी खनिज का रंग क्या होता है, आकृति क्या होता है, क्लीवेज क्या होता है, फ्रैक्चर क्या होता है, लक्षण, स्ट्रिक हार्डनेस, डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, अदर प्रॉपर्टीज, तो ये सब होते क्या हैं। तो अब हम लोग इसका स्टडी करते हैं डिटेल में। तो सबसे पहले स्टडी करते हैं इसका रंग के बारे में, किसी भी मिनरल के रंग के बारे में। ठीक, सबसे पहला आता है आप लोगों का क्या, रंग या तो फिर कलर। ठीक, तो जो भी हम लोग का कोई खनिज है, ठीक, तो ये अपना क्या करता है, एक अपना विशिष्ट प्रकार का कलर अपने अंदर रखता है। ठीक, जैसे कि हमारा जो पत्ती है वो हरा दिखाई देता है। ठीक, तो उसी प्रकार से हमारे नेचर में जितने मिनरल मिलते हैं तो सबका कलर अपना अपना अलग अलग स्पेसिफिक रहता है। तो उसी के आधार पर हम लोग क्या करते हैं, उसके खनिज को पहचानने का कोशिश करते हैं। कुछ जो खनिज रहते हैं अपने रंगों के आधार पर भी पहचाने जाते हैं, और जो रंग के आधार पर नहीं पहचाने जाते हैं तो उसकी आकृति, क्लीवेज, फ्रैक्चर, लक्षण, इन सब के आधार पर हम लोग क्या करते हैं, उस खनिज को पहचानने का कोशिश करते हैं। तो कलर क्या होता है किसी भी खनिज का, तो क्यों इंपॉर्टेंट है, सबसे पहला चीज तो कलर पढ़ना क्यों इंपॉर्टेंट है। तो कलर हम लोग को क्या कर देता है, एक जनरल आइडिया देता है कि वो कौन सा खनिज हो सकता है। क्यों, क्योंकि जो भी हमारे खनिज हैं तो वे अलग अलग कलर के पाए जाते हैं। तो किसी भी खनिज का जो रंग है, अगर जो भी कोई खनिज जिस रंग का मिल रहा है तो वो उसका रंग दिखने का कारण क्या है, तो उसके दिखने का कारण दो हो सकते हैं। सबसे पहला चीज तो कि जो खनिज जिस कलर का दिखाई दे रहा है तो उसमें वो जो कलर है वो उसके केमिकल कंपोजिशन के कारण आया है, रासायनिक संगठन के कारण आया है। रासायनिक संगठन के कारण। ठीक है, किसी भी मिनरल का जो भी कलर हमें दिखाई देता है तो वो उस कलर का दिखाई क्यों दे रहा है, इसका कारण क्या है। सबसे पहला चीज तो कि उसका केमिकल कंपोजिशन किस प्रकार का है, तो जो खनिज का जैसे कंपोजिशन रहेगा वो उसी प्रकार का कलर दिखाई देगा। ठीक है, और सेकंड चीज आता है उसका बनावट पर भी निर्भर करता है। उसका जो भी कोई खनिज है तो उसका जो कलर दिखाई दे रहा है तो उसके बनावट पर भी डिपेंड करेगा। ठीक है, नेचर ऑफ फॉर्मेशन के ऊपर। ठीक, कि हमारा जो खनिज है वो किस प्रकार से बना हुआ है, तो बनने के आधार पर भी उसमें क्या आ जाता है, कलर आ जाता है। तो किसी भी खनिज के लिए कलर एक महत्वपूर्ण क्या है, एक गुण होता है उसका। तो ये जो कलर होता है, कोई भी खनिज ले लीजिए, तो इस वो जो खनिज है उसमें कलर दो कारण से उसमें हमें जो कलर दिखाई देता है वो दिखाई देता है। पहला कारण क्या है कि वो जो खनिज है उसका रासायनिक जो संगठन है उसके कारण वो खनिज, जैसे कि ये हमारा कोई खनिज है, ये हमें कैसे दिखाई दे रहा है, रेड कलर का दिखाई दे रहा है। ये क्या है, हमारा एक खनिज है जो कि कैसे दिखाई दे रहा है, रेड कलर का दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये जो रेड कलर का खनिज हम लोगों को दिखाई दे रहा है तो इसके दिखने का कारण क्या है, इसके दिखने के दो कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कारण तो कि ये जो हम लोग का मिनरल है इसका रासायनिक संगठन के कारण इसमें क्या आ गया है, हम लोग का रेड कलर दिखाई दे रहा है। तो रासायनिक संगठन में जैसे अगर उसमें आयरन रहे तब हम लोग को रेड कलर का दिखाई देगा। ठीक, अब उसके बनने के आधार पर भी उसमें क्या आ जाता है, उसमें कलर आ जाता है। ठीक, तो हम लोग का जो भी खनिज है तो उसके उसी कलर का दिखने का रीजन क्या है हम लोग का, कि उसका केमिकल कंपोजिशन और उसका नेचर ऑफ द फॉर्मेशन के आधार पर, कि उसके बनने के आधार पर भी हम लोग का क्या हो जाता है, उसमें कलर आ जाता है। ठीक, तो इसके आधार पर और आगे देखते हैं हम लोग कि इसको और अच्छे से कैसे समझ सकते हैं कि हम लोग का जो खनिज है वो जिस कलर का दिखाई दे रहा है वो उसी कलर का क्यों दिखाई देता है इस टॉपिक पे। तो सबसे पहला इतना जान लीजिए कि कलर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी खनिज के फिजिकल प्रॉपर्टी के अध्ययन करने के लिए। ठीक, तो
अब देखते हैं नेक्स्ट इसी में कि हमारा जो कलर है तो ये दो कारण से आता है, पहला केमिकल कंपोजिशन और नेचर ऑफ द